नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट बर्थडे सेलिब्रिटी स्पेशल। आज के बर्थडे सेलिब्रिटी स्पेशल के गेस्ट हैं भारत सरकार के सर्वोत्तम सबसे बड़े अवार्ड अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित कुश्ती जगत के अमिट हस्ताक्षर कृपाशंकर बिश्नोई पटेल साहब। आपका ढेर सारा स्वागत है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट बर्थडे सेलिब्रिटी स्पेशल में। कैसा लग रहा है आज आपका जन्मदिन है, 43वां जन्मदिन आप मना रहे हैं। कहा जाता है कि 43 बरस का जो व्यक्ति हो जाता है, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखें तो भाग्य उदय सा हो जाता है। किस तरह आज की सुबह की शुरुआत हुई है जन्मदिन की, खासतौर से क्या क्या वो काम किया है आपने, किस तरह लोगों की देर रात से विशेष आना शुरू हो गई थी, आप लगातार सोशल मीडिया पर भी छाए हुए, कैसा लगता है इतनी उपलब्धि एक शख्सियत के नाम हो जाती है? देखिए, बहुत खुशी होती है और इसी से पता चलता है कि लोग कितना प्यार करते हैं, क्योंकि फ़ोन अभी मेरे को बैटरी तीसरी बार चार्ज करनी पड़ी है, सुबह से मात्र 4-5 घंटे ही हुए हैं, अभी सुबह का टाइम ही हो रहा है। बिल्कुल सही बात। तो सुबह से लगभग 2-3 बार मैं फ़ोन चार्ज कर चुका हूँ जी, और बहुत सारी बधाइयाँ आ रही है जी। हर व्यक्ति और बहुत से लोग तो मुझसे यहाँ तक भी पूछने लगे हैं जी कि कृपा जी, आपके पिछले बर्थडे पे 370 आपने हटवा दी जी, इस बर्थडे पे राम जन्म भूमि की नींव रखवा दी, अगले बर्थडे में आप क्या करोगे? अगले बर्थडे पे जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ होगा और इतना बड़ा होगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनेगा। जो आज हो रहा है प्रभु श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रख रहे हैं, पूरे देश भर में पूरा देश यूं कहे कि भगवामय हो चुका है। और कृपा शंकर जी ने जिस तरह से लाल माटी की खुशबू देश दुनिया में बिखेरी है, कहीं ना कहीं वही माहौल आज फिर देखने को मिल रहा है। कृपा जी, आपके जन्मदिन के मौके पर भगवान शिव राम पर कृपा कर रहे हैं। कई बार भगवान राम शिव को अपना भगवान मानते हैं तो कई बार शिव भगवान भी राम को ईश्वर तुल्य पूछते नजर आते हैं। क्या आप आध्यात्मिक भी है? बचपन की शुरुआत की बात करें, बाल्यावस्था की बात करें, तो किस तरह अपने जीवन की शुरुआत हुई है? देखिए, मैं किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ, खंडवा, जो यहाँ मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के तहसील हरसूद जो कि अब डूब चुका है, नर्मदा परियोजना डैम में नया हरसूद बसाया गया। बिल्कुल सही कहा। उसके पास एक छोटा सा गांव है सोनखेड़ी करके जी, जी। वो पूरा गांव बेनीवालों का है। मैं ऐसी कम्युनिटी से आता हूँ, बिश्नोई कम्युनिटी, जहाँ पे जीव हत्या को पाप माना जाता है। बहुत बड़ी बात। और यानी 29 नियम होते हैं, 20 और 9 जी। जो 29 नियमों का पालन करता है वो बिश्नोई पंथ का मानने वाला होता है। तो वेजिटेरियन होना, हरे वृक्ष को नहीं काटना, बहुत सरल तरह के यानी इस तरह के नियम बने हुए हैं। तो उन नियमों का मैं पालन करना प्राथमिकता के साथ रहता है। भाई, कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं जी, वहाँ पर नॉनवेज की व्यवस्था होती है, तो वहाँ पर हम दूध के साथ जो अपना जूस मिलता कई बार उसके साथ हम ब्रेड डुबो के खा के काम चलाते हैं। एक बार हंगरी 1989 में जो विश्व चैंपियनशिप हो रही थी, कैडेट में जा रहा था मैं, मात्र 15-16 साल का बच्चा था जी। वहाँ पे मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, मेरा वेट कैटेगरी जिसमें खेल रहा था उससे भी कम आ गया वेट जी। लेकिन हमने नॉनवेज को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि जब तक हम समझ नहीं ले कि ये चीज क्या है, वहाँ पे तरह तरह की चीजें मिलती थी जिसका हमें ज्ञान नहीं था। बिल्कुल सही कहा। तो कोको कोला जानते थे, तो कोको कोला के साथ ब्रेड डुबो के खा के काम चलाया और उससे वेट कैटेगरी भी डाउन हुआ जी। प्रतियोगिता में भी हम हार गए, बहुत बड़ा, लेकिन तब भी ब्रॉन्ज मेडल कब्जे में किया जी जी। तो वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर थे वे मेरे को प्रतिदिन देखते थे और वो आके बड़े एक्साइटेड हुए कि ऐसा भी कोई समाज है हिंदुस्तान में, बहुत बड़ी बात, कि जो वेजिटेरियन का अनुसरण करते हैं और यहाँ पे। तो उन्होंने लास्ट डे जाके मेरे को वेजिटेरियन खाना उपलब्ध कराया, क्योंकि हंगरी में नहीं मिलता बुदापेस्ट के अंदर जी। तो वहाँ पे उन्होंने, अब तो पूरी दुनिया मुट्ठी में सिकड़ गई जब से इंटरनेट और ये व्यवस्था आई है जी। तो हर जगह हर तरह की चीजें मिल जाती है, लेकिन उस समय ऐसा माहौल नहीं था 1989 में जी। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई और परिवार में सभी पहलवान हैं, चाचा ताऊ, मेरे चाचा जी शिवराम पहलवान जी जो महू में रहते हैं इंदौर के पास में जी, उन्होंने छत के ऊपर एक अखाड़ा बनाया और सोचा कि क्यों ना मैं अर्जुन पुरस्कार नहीं जीत पाया जी, तो मैं यहाँ पर महू के पहलवान तैयार करूँ, अपने क्षेत्र के पहलवान तैयार करूँ जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा से ज्यादा पदक जीते। बिल्कुल। लेकिन जब वो पहलवानी कराने लगे तो पहलवानी आप समझते कितना हार्डवर्क है, कोई पहलवान 3 दिन ट्रेनिंग करता और 4 दिन गायब होता, बिल्कुल तो ऐसे चैंपियन नहीं बना जाता, नहीं बन सकता। फिर उनके दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना मैं अपने गांव सोनखेड़ी जाऊं, मेरे भाई के बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं और घर के 8-10 बच्चों को पकड़ूं एक ही एज के जी।
और उनको पकड़ के मैं पहलवानी कराता हूँ, क्योंकि घर के बच्चे अगर भागेंगे भी तो घर में ही आएंगे, भाग के कहाँ जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। और उनके ऊपर मैं अत्यधिक दबाव डाल सकता हूँ, अनुशासन के साथ में, दबाव के साथ उनको कुश्ती का अभ्यास करा सकता हूँ, क्योंकि बगैर दबाव के, बगैर अनुशासन के, बगैर परिश्रम के, बगैर त्याग के आप किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। और उनको कुश्ती का नशा था जी। और उन्होंने 10-12 भाई जो हमारे थे उनको इकट्ठा किया, महू ले आए, क्योंकि मैं गांव में बहुत मस्ती करता था जी। अगर कोई मेरे घर के आगे से मुझे देखता हुआ निकल गया जब मैं 5-6 साल का था, जबकि बात बता रहा हूँ जी, जी, तो मुझे देख क्यों रहा है ये बात मुझे अखरती थी, और पत्थर से उसका सर जरूर फोड़ता था। इतना बदमाश, यानी कि बहुत शरारती थे आप। बहुत शरारती, यानी कि घर में माँ पिताजी सब परेशान थे जी। चाचा जी आए, उन्होंने मेरी एनर्जी को डाइवर्ट किया कुश्ती में। बिल्कुल सही। उन्होंने बोला कि ये बहुत एबला लड़का है जी। एक सेकंड के लिए टिक के नहीं बैठता, कभी खंभे पे चढ़ जाता है, कभी पलंग से कूद के बताता है, कभी इधर, ये जब थक के चूर हो जाता है जब ही सोता है। बिल्कुल सही कहा। तो बोले ये कुश्ती कराऊंगा मैं। बिल्कुल। और वो मेरे को पकड़ के ले गए महू टीचर्स कॉलोनी लेके आए। यहाँ पे जब अभ्यास कराया तो यहाँ लोगों को मैंने परेशान करना शुरू किया, आस पड़ोस में मिट्टी फेंकना, दुखी करना, लोगों के साथ लड़ना जी। तो उन्होंने एक फिर एक तरकीब सोची कि इसका मैं ट्रेनिंग का पीरियड बढ़ा दूं। अच्छा। और उन्होंने मेरा टाइमिंग ऐसा फिक्स कर दिया कि मेरे पास सोने के सिवा और कोई चारा नहीं होता था। सुबह 4 बजे उठना, 7 बजे तक ट्रेनिंग करना, 7:30 बजे स्कूल तैयार होके निकल जाना, ब्रेकफास्ट करके एक समय बन गया। बिल्कुल। स्कूल में जाते थे तो नींद आती थी कई बार जी। 1:30 बजे स्कूल से आए, खाना खाए, थोड़ी देर रेस्ट किया, 3 बजे फिर ट्यूशन चले गए, 4:30 बजे ट्यूशन से आए, 5 बजे फिर ट्रेनिंग करके 7-8 बज जाते थे। बिल्कुल सही कहा। तो फिर नाश्ता खाना वाना खाया और फिर एकदम सो जाते थे बेहोश होके, क्योंकि सुबह जल्दी उठना 4 बजे। बिल्कुल। तो ऐसा शेड्यूल जब बन गया तो फालतू समय, जो फालतू काम थे जिनमें मैं लोगों को परेशान करता था या खुद मेरी ऐसी आदतें थी लड़ाई झगड़े की, वो सारी बदल गई। बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से आपने शिवराम पहलवान साहब का नाम लिया और मुझे भी उनका चेहरा याद आया आ रहा है कि वो उनकी हाइट जो है बहुत ज़बरदस्त हाइट थी, ज़बरदस्त ताकतवर व्यक्तित्व है उनका, और जिस तरह से वो पहलवानी के प्रति समर्पित हुआ करते थे हमेशा, कितना वो पहलवानी को लेकर सोचते थे, कुश्ती को लेकर सोचते थे, कि उन्होंने कहा कि पहलवान बनाना या कुश्ती का एक साधक तैयार करना इतना आसान काम नहीं, बड़ा कठोर तप परिश्रम लगता है। और वो अपने भाइयों के बच्चों को, जिसमें से उन्होंने आपको चुना, और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने आप में जो चीज़ देखी वो है अतिरिक्त एनर्जी वाली चीज़, एक्स्ट्रा एनर्जी जिसको कहेंगे, कि आप जैसा बच्चा जो है बहुत ज़बरदस्त प्लेयर बन सकता है, और उन्होंने देशी खेल कुश्ती को चुना। तो ये 7-8 भाई दूरदृष्टि, उनकी दृष्टि, हम 7-8 भाई थे जी जी, और उनका मानना था कि घर के बच्चों को पकड़ूंगा, और घर का, क्योंकि खेती बाड़ी थी तो सामान खाने का, पहलवानों को खाने की एक डाइट बहुत इम्पोर्टेंट होती जी, है जी। अत्यधिक परिश्रम करने के बाद में एक आम आदमी से उनकी डाइट अलग होती है जी। तो उसकी भी समस्या नहीं आई, क्योंकि घर परिवार में खेती थी, अच्छा खाने पीने का, दूध घी दही का खाना था, तो वहाँ से आता था गाँव से। और 7-8 भाई सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अच्छे पहलवान हुए, अर्जुन पुरस्कार तक चलो मैं पहुंचा, लेकिन मध्य प्रदेश शासन का जो विक्रम पुरस्कार मिलता है वो हम सब भाइयों को मिल चुका है। बिल्कुल। चाचा जी को विश्वामित्र पुरस्कार, जो गुरुओं को देने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन का होता है, वो मिल चुका है। तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने जो मेहनत करी है, तो कोई अर्जुन पुरस्कार है, और सभी अच्छे स्तर पर, कोई उत्तर प्रदेश पुलिस में है, तो 7-4-5 भाई हम रेलवेज में हैं। बिल्कुल। एक और 1-2 भाई हमारे CRPF में DSP है, तो सब यानी कहीं ना कहीं सब एडजस्ट है। बिल्कुल सही। तो जो मेहनत की थी कि खेल से परिश्रम करके हमने आगे बढ़ना, जब 12 साल की कुश्ती होती थी 12 साल के बच्चों की, भारतीय खेल प्राधिकरण की जी। और भारतीय खेल प्राधिकरण बच्चों को अडॉप्ट करता था, बिल्कुल गोद लेता था। हम मेहनत करके गए और हम 7-8 भाई उस प्रतियोगिता में फर्स्ट आ गए। बिल्कुल। तो साई हैरान हो गई कि एक ही घर से और एक ही परिवार से, एक ही गांव से जी, ये 7-8 भाई सारे मेडल जीत रहे हैं। तो साई ने हमको शिवालिक पब्लिक स्कूल के लिए चिन्हित कर दिया कि आप वहाँ रहेंगे, आपको 2-3 साल के लिए अडॉप्ट कर लिया है, पढ़ाई लिखाई खाना पीना सब कुछ देंगे जी। लेकिन चाचा जी ने बोला नहीं, मैं कोच हूँ इनका, मैं ऑब्जर्वेशन मेरे उसमें रहेंगे जी। उन्होंने नहीं भेजा, हमारे महू में छत के ऊपर अखाड़ा बना रखा था घर जी, पे ही जी। फिर साई ने आखिरकार हमारे घर के अखाड़े को अडॉप्ट कर लिया। ओके। और वहाँ पे हमको साजो सामान दिए, जिम, रेसलिंग मैट, फैसिलिटी सुविधाएं मिली।
तो वहाँ से फिर परफॉर्मेंस और ज़्यादा बढ़ने लगी क्योंकि कुछ मिलने लगा उस एज में, तो वहाँ से दिन परिवर्तन हुए। आप इंटरनेशनल गेम की तरफ कब मूव हुए? आपने सबसे पहली जो कुश्ती है, मैट की कुश्ती कहे या फिर बाकी जो मिट्टी की कुश्ती होती है, मिट्टी से मैट की तरफ आए होंगे। मैट में इंटरनेशनल लेवल पे मैट पे ही कुश्तियाँ होती है, कॉम्पिटिशन्स होती है। कब वो, कौन सा वो दिन था, कौन सी वो उम्र थी जब आप इंटरनेशनल लेवल पे नाम कमा चुके थे? देखिए 1989 में एशियन चैम्पियनशिप का आयोजन हो रहा था नई दिल्ली में जी, और मेरा सिलेक्शन हो गया था इंडिया टीम में, क्योंकि हमारे वजन में परवेश दत्त और शंभुनाथ करके दो पहलवान थे जी। मेरा कहीं नाम था नहीं उसके अंदर, मैं एक अचानक यानी कि निकल के आ जाता ना एक चैंपियन, तो उस तरह निकल के आ गया और उन चैंपियन पहलवानों को धूल चतराते हुए इंडिया टीम में जगह बना गया और सारे हैरान हो गए कि ये नया पहलवान मध्य प्रदेश से कहां से निकल आया, जबकि मध्य प्रदेश में पहलवानी का ऐसा कोई सपोर्टिंग वाला पॉलिटिशियन ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जब मैंने उनको हरा लिया तो एशिया चैंपियनशिप में, मुझे आज भी अपनी पहली कुश्ती याद है, जब मैं फाइनल में पहुंच गया खेलने के बाद में कई पहलवानों को हरा के, तो केडी मोहम्मद नाम उस पहलवान का था ईरान का, जिसको 8-1 अंक से मैंने एशियन चैंपियनशिप में हरा के गोल्ड मेडल जीता। एक और, था। हाँ, और एक पैर के ऊपर कूदने लगा क्योंकि मैंने देखा था सतीश मांडिया पहलवान जो हमारे बड़े भाई साहब हैं मऊ के, बहुत बड़े पहलवान रहे, मध्य प्रदेश के विख्यात पहलवान है जी। वो कई कुश्तियों में दंगल में कुश्ती जीतने के बाद में एक टांग पे यूं भांगड़ा करते थे पंजाबी स्टाइल, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता था और मेरे अचानक ही वो चीज याद आई और मैं करने लग गया जब मैं मात्र 12-13 साल का था, और उसको टीवी पे कैप्चर किया। और मैं जब अशोका होटल हमको दिल्ली में रुकवा रखा था, तो वहाँ टेलीविजन शुरू ही हुआ था जब, तो टेलीविजन में दूरदर्शन ही चैनल आता था, तो वहाँ पे जो महिला वाच रही थी उसने कहा कि भारत के कृपा शंकर ने 43 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में देश के लिए स्वर्ण पदक जीता, उन्होंने केडी मोहम्मद को 8-1 अंक से हराया। मेरे रोंगटे आज भी खड़े हो गए और मैं यूं नाचते हुए मेरा दिखाया कुश्ती लड़ते हुए और नाचते हुए, तो वहां से हौसला बढ़ा कि इज्जत बढ़ती है ऐसे में, तो कितनी इज्जत बढ़ी, क्योंकि गांव में हमारी सिर्फ पिटाई होती थी। बिल्कुल सही कहा, हम गांव में अगर कोई पड़ोसी या दो घर छोड़ के भी कोई पीट देता था और हम शिकायत घर पे करते थे तो एक और बार पिटाई होती थी और उस व्यक्ति को बुला के शाबाशी दी जाती थी कि ठीक करा आपने। अब वो माहौल नहीं है, बिल्कुल सही, गांव में अब पेरेंट्स लड़ने पहुंच जाते हैं कि अगर गुरु ने हाथ भी उठाया हमारे बच्चे को हाथ कैसे, तो माहौल बदल गया है। उस समय माहौल अलग था, पूरे गांव में कोई भी पिटाई कर सकता था गलत काम करने पे, तो एक पूरा परिवार था जी। तो वहां पर पिटाई होती थी, जब मैं जीत के पहुंचा तो मेरी माँ, मेरे पिताजी और छोटे छोटे बच्चों को फूल लेके, और बस स्टैंड एक ही बस जाती थी तो बहुत लेट में बस मिली, फिर मैं बस से गाँव पहुंचा, वहां पे हरसूद में बैठा रहा कई देर तक बस मिलेगी जी, क्योंकि और कोई साधन नहीं होया करते थे। पहुंचा तो मेरे को गुलाब के फूल दिए गए बच्चों के, मेरे माता पिता ने तारीफ की और मैं सो रहा था, फिर बाद में थके सो गया घर जाके जी। तो मेहमान आए हुए थे तो मेरे पिताजी, मेरी नींद खुली तो मेरे पिताजी मेरी तारीफ कर रहे थे, जबकि अमूमन मेरे आगे तारीफ नहीं होती थी, लेकिन मैंने वो तारीफ सुन ली जी। तो मैंने बोला देखो मेरे को कितनी इज्जत मिल रही है इस काम को करने से। तो वहां से मेरा बहुत परिवर्तन हुआ और मेरे को यूं लगने लगा कि अगली बार प्रतियोगिता कब है, कब है तैयारी। वहां से बहुत मोटिवेशन मिला और उत्साह बढ़ा और एक ऐसा लगा कि ऐसा काम करने से इज्जत मिलती है। बिल्कुल सही, वहां पे मेरे को ये मिला, क्योंकि 12-13 साल का लड़का आज बहुत चंट है जी, लेकिन हमारे समय में अगर हम 89-90 की बात करें तो उस समय इतने चालाक चंट नहीं होया करते थे। बिल्कुल सही कहा। ये जो आपको आत्मविश्वास आपका इतनी कम उम्र में बढ़ा, और आपने कहा जैसे ही सुना कि पिता मेरी तारीफ कर रहे हैं, मेरी कुश्ती की जीत पर तारीफ कर रहे हैं, आपका नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर नाम हो गया, इस सफ़र को आपने फिर द्रुत गति से आगे बढ़ाया। हालांकि आज भी आप उतनी सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इंदौर की माहिल्या की नगरी में देखा गया, हमने एक फ़ोन किया आपको आपके बर्थडे के मौके पर, आपको शुभकामनाएं दी और कहा कि आपके साथ हमें बर्थडे सेलिब्रिटी स्पेशल एक टॉक शो करना, और आप सहज राजी हो गए। ये पहलवानी का देखा जाए तो एक असल गुण है, किसी भी पहलवान को अहंकार और गर्व नहीं होता। आपका अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नाम हो चुका है, कितने किस तरह का सफ़र और आपने आगे बढ़ाया? देखिए यहाँ आने के बाद में फिर मैं लगातार ऐसा कोई वर्ष 2010 तक जी, 1989 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में मैंने भारतीय टीम में जगह बनाई जी, सब जूनियर में जी, फिर सब जूनियर में होता हुआ जूनियर और फिर सीनियर जी, और 2010 तक लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाला
जो इंडिया टीम में यानी किसी ना किसी रूप में टीम में सिलेक्शन में है, टीम में जगह बनाने वाला ये पहला व्यक्ति हूँ, पहला पहलवान हूँ, क्योंकि 21 साल तक नॉन पॉलिटिकल सपोर्ट के प्लस नॉन पॉलिटिकल सपोर्ट के क्योंकि इसमें देखो कुश्ती में दो पहलवान लड़ते हैं जी, और इसमें टीम गेम नहीं है कि भाई एक अच्छे को बाहर कर दिया और किसी अपने जुगाड़ वाले को अंदर घुसेड़ दिया। टीम गेम में हो सकता है चल जाता हो जी जी, लेकिन व्यक्तिगत में तो जो उठा के गिराएगा वही चलेगा। बिल्कुल सही कहा, चैंपियन वही है। ये हो सकता है कि भाई 19 कई बार 19 को रेफरी वगैरह और उसमें सपोर्ट कर दे, लेकिन 19 को सपोर्ट करेंगे तो कितना करेंगे? मेरा पैर पकड़ के खींच के तो नहीं गिराएंगे रेफरी। बिल्कुल ना मेट चेयरमैन ना जज ना ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कि भाई इसको सरेआम ही पटक के गिराओ और ऊपर बैठ जाओ और फोटो खींचे, ऐसा तो नहीं होता। तो रेसलिंग में ऐसा नहीं है कि कुश्ती के दौरान किसी के साथ में कोई गड़बड़ा हो, लेकिन तब भी इस चीज से नकारा भी नहीं जा सकता। जब बराबर की टक्कर होती है तो थोड़ा सा भी सहयोग सपोर्ट बहुत बड़ा काम करता है, तो ये भी हो सकता है। आप ओलंपिक गेम का भी हिस्सा बने? नहीं, ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट्स में मैंने पार्टिसिपेशन किया था, लेकिन ओलंपिक में मैं नहीं गया था। 2004 में योगेश्वर दत्त और मेरा काफी विवाद रहा था जी जी, और उस समय वही है कि क्षेत्रवाद बिल्कुल आड़े आ गया, क्योंकि हरियाणा का बड़ा दबदबा है, दिल्ली के अंदर हरियाणा के ही टेक्निकल ऑफिशियल, हरियाणा के ही कोचिज, हरियाणा के ही पहलवान, और जो फेडरेशन में पदाधिकारी हैं वे भी हरियाणा के, क्योंकि उस समय एमएस मलिक थे जो डीजीपी हरियाणा पुलिस के थे, और योगेश्वर दत्त हरियाणा के पहलवान, कृष्णा मलिक जो है डीजीपी की पत्नी थी जो कि योगेश्वर दत्त के भैंसवाल गांव के वहां से चुनाव में खड़ी हुई थी, चुनाव का माहौल था। बिल्कुल स्वाभाविक है वो पहलवानों को घुटना के पहलवानों को मत, तो वो मेरे को बहुत बड़ा नुकसान वहां पे किया गया। चलिए, लेकिन बावजूद इसके जो आप एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में लाल माटी हो या मेट की कुश्ती हो पहचाने जाते पूरे भारतवर्ष में, आपको वो अवार्ड तो भारत शासन ने दे दिया जिसे अर्जुन अवार्ड पुरस्कार कहा जाता है, लेकिन इसके अलावा आपके बाद की जो जनरेशन के जो पहलवान आए उनको पद्मश्री जैसे अवार्ड मिल गए, क्योंकि वो ओलंपिक का हिस्सा बन के आ चुके थे। आप चूँकि ओलंपिक नहीं जा पाए, ओलंपिक गेम का हिस्सा नहीं बन पाए, तो आप जैसे सीनियर्स को दरकिनार करके दिगर नवोदित पहलवान, जो कि हालांकि उनका भी अचीवमेंट्स है कि वो होकर आ गए, उन्होंने मेडल भी देश के लिए लाया, कभी खलता है, टीस लगती? देखो महसूस तो कई खिलाड़ियों को होता भी है कि आज मैं आपको तैयार करूं जी, और आप मेडल जीतते हैं जी, और आपको पद्मश्री दिया जाता है, और जिसने तैयार किया है उसको पूछा भी नहीं जाता जी, क्योंकि आप बॉलीवुड में भी देखेंगे कि कई डांस सिखाने वाली जो डांस सिखाने वाले जो होते हैं कोरियोग्राफर होते हैं उनको भी पद्मश्री दिया गया। बिल्कुल सही कहा। तो आप स्पोर्ट्स में जो गुरु होते हैं, जो कोच होते हैं, उसको भी इस गाइडलाइन में लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए, और ये है ऑलरेडी, पर बस इस संज्ञान में लाना चाहिए जी। तो पद्मश्री को आप उपलब्धियों के साथ तो जोड़े ही जोड़े जी, आप किस ये उपलब्धि तक पहलवान कैसे पहुंचा है, बिल्कुल वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। सही बात है, पर्दे को भी सम्मानित करने, पर्दे के पीछे के रियल हीरो को भी पहचानने की जरूरत है कहीं ना कहीं। यदि अगर पर्दे पर उतरने वाला हीरो सबको दिख रहा है तो कम से कम एक समीक्षा, एक चिंतन कहीं ना कहीं होना चाहिए कि इस हीरो को हीरो बनाने वाले वो कौन से शख्सियत है, वो कौन से यूँ कहे कि तपस्वी है जिन्होंने इनको निखारा है, इनको इतना अच्छा बना दिया है कि ये देश दुनिया में अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आपने बात बॉलीवुड की और बॉलीवुड में आपकी एंट्री भी बहुत धमाकेदार मानी जा सकती है, जिस तरह से आपने फिल्मों में अलग अलग एक्ट्रेस को कुश्ती कला से परिचय कराया, और कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व से बड़े बड़े जो अभिनेता है बॉलीवुड स्टार से वो अभिभूत से हो गए। आमिर खान ने तो यहाँ तक कि आपके कहने पर धूम्रपान तक करना छोड़ दिया। कैसा एक सफ़र रहा बॉलीवुड का, आप एज ए कोरियोग्राफर कुश्ती से जुड़ी फिल्में, कुश्ती को एक बार फिर आपने बिल्कुल यूँ कहे कि हर किसी के दिलो दिमाग पर छवा छवा दिया, कैसा लगता है? देखो हमारे लिए बहुत बड़ी यानी एक वो था कि कुश्ती को हम पर्दे पे कैसे दिखाएं। बिल्कुल, क्योंकि जो कलाकार थे वो कुश्ती को नहीं जानते थे जी, और वो कुश्ती में जीरो थे जी, और मैं जब उनको सिखाने के लिए गया पहले तो मेरे से संपर्क किया गया, मीटिंग हुई, फिर उन्होंने कहा कि हम आपसे ही सीखना चाहते हैं जी, फिर मैंने उनको मना कर दिया क्योंकि मैं नेशनल टीम का कोच था, हमारा ओलंपिक का कैंप चल रहा था। फिर अमीर जी काफ़ी कहने लगे कि नहीं नहीं आप बताओ आप ले। फिर मैंने बोला मेरे को रेलवे परमिशन देगी जी,
तो ही मैं आऊँगा। फिर उन्होंने रेलवे से भी परमिशन ले लिया, बोले जी हम ले लेंगे, बात कर लेंगे जैसा जी। तो उन्होंने परमिशन हो गया रेलवे से जी, क्योंकि बगैर रेलवे की परमिशन, क्योंकि रेलवे अपने कोचिज को जी किसी हीरो हीरोइन को कुश्ती सिखाने के लिए नहीं भेजेगा। हम प्रोफेशनल रेसलर जो ओलंपिक और देश के लिए खेल रहे हैं उनको कुश्ती सिखाते हैं जी। तब ये हो चुका था कि भाई अब मुझे दंगल की मैं हीरो हीरोइन को कुश्ती सिखानी है, आमिर खान को सिखानी है, कुछ लड़कियां हैं जो गीता बेबीता का रोल करेगी जी। तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि यार वे तो बहुत नाजुक होते हैं बिल्कुल, और वे कैसे कुश्ती करेंगे जी। लेकिन जब मैंने उनको सिखाने का जितना इंटरेस्ट के साथ मैं सिखा रहा था, मैं ये देख रहा था कि उससे कई गुना ज़्यादा उनका जोश सीखने के लिए था जी। तो वो उतना ज़्यादा शौक था उनको सीखने का, और वे नए खिलाड़ी थे, मुझे इस बात का ध्यान रखना था कि वे चोटिल ना हो, कोई गंभीर इंजरी ना हो, और उनकी जो स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, कुश्ती लड़ने का तरीका, खींचना, धकाना, गिरना, गिराना, एक अलग स्पोर्ट्स है बिल्कुल, जो बगैर किसी साजो सामान के खेला जाता है जी। अगर हम फुटबॉल खेलेंगे तो हमारे बीच में फुटबॉल होगी बिल्कुल, डायरेक्ट एक दूसरे से गुत्तम गुस्सा नहीं होंगे, फुटबॉल के लिए होंगे बिल्कुल। हम बैडमिंटन खेल रहे हैं तो हमारे पास में वो होगी रैकेट और कॉक डिस्टेंस होगा, क्रिकेट होगा तो बेल, यानी कि कुछ ना कुछ माध्यम है, रक्षण का माध्यम है, इसमें रक्षण का माध्यम। कुश्ती में कोई साजो सामान नहीं है बिल्कुल, एक दूसरे का शरीर, एक दूसरे की मसल्स, एक दूसरे का जॉइंट इस दिशा में मोड़ना है, जिस दिशा में नहीं मुड़ता, जब भी पकड़े ढीली पड़ती है और खिलाड़ी एक विशेष अवस्था में गिराता है बिल्कुल सही कहा। तो कुश्ती करना इतना आसान नहीं है, और एक खास पोस्चर बना के, बॉडी पोस्चर को रखते हुए आपने अटैक करना, डिफेंस करना, यूं नहीं है कि कुछ भी लड़ रहे हैं, कुछ भी लड़ रहे हैं तो बिल्कुल, पर्दे के ऊपर यूं ना लगे कि नकली लोग हैं जी। उसके लिए आपको ट्रेनिंग शस्त्र से गुजरना होगा, ये मैंने उनसे कहा, और वे ट्रेनिंग करने के लिए तैयार थे। उन्होंने 2 साल का समय निकालने का बोला कि हम 2 साल तक, मैं 2 साल नहीं, आप 1 साल में सीख जाओगे जी, और अगर आप में टैलेंट ज्यादा है तो आप 6-7 महीने में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, जो शूटिंग के लिए चाहिए, पर्याप्त हो जाए, जो पर्याप्त है, क्योंकि आपको नेशनल में नहीं जाना खेलने के लिए। तो ट्रेनिंग शुरू हुई, उन्होंने बहुत अच्छा किया। जहाँ तक अमीर जी की सिगरेट छुड़ाने का मामला है, तो मैं नेशनल टीम का कोच हूँ तो मुझे निश्चित रूप से बुरा लगेगा कि अगर आप मैट के ऊपर आए हो और आपके मुंह से सिगरेट की बांस या दारू की या किस तरह की आ रही है, तो मेरे से तो सहा नहीं जाएगा, क्योंकि हम एक तरफ वहाँ बजरंग बली की मूर्ति लगा के पूजा कर रहे हैं, मैट की सफाई करते हैं, वो एक मंदिर है बिल्कुल सही। तो मैंने लाइन में असेंबली जब होती है, हम असेंबली करता था बाकायदा, हमारी असेंबली होती थी, पहलवानों की गिनती होती थी, कई पहलवान उनके साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम में जुड़ते थे, मैं कोच था, उनकी अटेंडेंस होती थी, अटेंडेंस होने के बाद में वार्म अप करते थे, और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में ब्रेक ऑफ और जय हिंद का नारा लगाते थे। तो ये हमारा प्रोग्राम था जी। तो उस प्रोग्राम में मैंने एक दिन पाया कि अमीर जी बहुत नज़दीक आए और उनके स्मेल आई, तो मैंने बोला देखो, उस समय मैं कुछ नहीं बोला जी। अगले दिन मैंने असेंबली में उनको खड़ा किया, तो मैंने बोला देखिए आप जो है ये और ये करके नहीं आएंगे, तो कुल्ला करके आएंगे और यहाँ पे वो चीज़ अलाउ नहीं, वो सेट पे भी कई बार पीते थे, तो मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला आप महावीर फोगाट के किरदार निभा रहे हैं, उसके जीवन पर आधारित आप फिल्म बना रहे हो बिल्कुल सही कहा, तो उस वो कैसा जीवन जिया उस पहलवान ने जी, वो जीवन आपने जीना है, जब ये ओरिजिनलिटी आपकी आएगी, वो बोलते मैं जानता हूँ कृपा जी जी, बोले फिर आप, मैंने बोला छोड़ो आप, ये आपके सेहत के लिए, आपके स्टेमिना के लिए बढ़ेगा नहीं, कुश्ती में आप इतना अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पाओगे जी, हालांकि आपके बहुत छोटे सीन और बहुत कम सीन है जी, लेकिन अगर आप ये करते रहोगे तो वो भी अच्छे नहीं आएंगे जी, और मैं इतना कम नहीं कर पाऊंगा जी। तो वो चुप हो गए, और अगले दिन आए और बोले कृपा जी मैं चाहता हूँ कि आप मेरे गुरु हैं और आप मेरे से गुरु दक्षिणा मांगे और मेरे पैर पढ़ लिए। मैंने बोला अरे ये रहने दीजिए आप, बहुत बड़ी पैर नहीं पड़े, बोले कि कुश्ती में परंपरा है कि गुरु शिष्य परंपरा होती, वो कहने लगे जी। बहुत सहज है ना, बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन मेरे को गुस्सा उस बात का था कि भाई मैट के ऊपर ये चीज नहीं, आप पियो, दारू पीते हो, वो पीते हो, बीड़ी पीते हो, तो आप पिए जाके, लेकिन यहाँ मैट पे नहीं होने का, जहाँ पे मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। और वे लड़कियां अनुसरण करती थी इस बात का, जो फतिमा शना शेख, जायरा वसीम, सुहानी भटनागर, सानिया मल्होत्रा, ये बहुत ही शालीनता से और बहुत ही एकाग्रता के साथ उन्होंने ट्रेनिंग शस्त्र को पूरा फॉलो किया जी। अमीर जी भी जी, लेकिन वो चीज़ मेरे को बुरी लगी तो मैंने उनसे कह दी। फिर उन्होंने बोला कृपा जी आप, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे से गुरु दक्षिणा मांगे कुछ जी। मैंने बोला बहुत अच्छा मौका है बिल्कुल, और मैंने बोला गुरु दक्षिणा अगर भागदा है तो आप कसम खाओ कि दोगे क्या, बोले मैं बिल्कुल दूंगा। मैंने बोला आप ये बीड़ी, सिगरेट, दारू छोड़ दो,
कैसा आपका आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा जी। तो वो थोड़े सोच में पड़ गए और बोलते कृपा जी, दौड़ के गए अपने बैग में से लाइटर और सिगरेट का डब्बा निकाला और बोले ये लीजिए कृपा जी, इसको डस्टबिन में डालो, आज के बाद शूटिंग जब तक खत्म नहीं हो जाएगी मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। उन्होंने शूटिंग तक का वादा किया। तो बोला चलो वहां तक तो माने। हाँ, मैंने बोला मैं जब तक मैं ही जुड़ा हूँ, बिल्कुल सही। तो मैंने बोला मैं नहीं इसको हाथ लगाता, क्योंकि मैं तो हाथ ही नहीं लगाता सिगरेट वगैरह, मैंने बोला मैं नहीं लगाऊंगा इसको हाथ। तो बोले कृपा जी अभी आप ही फेंकोगे और मैं वचन देता हूँ आपको जी, कसम खाता हूँ कि मैं इन चीजों का हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक शूटिंग कंप्लीट नहीं हो जाएगी। और फिर मैंने उसको एक कागज में लिया, कागज पड़ा हुआ था उसमें से लेके डस्टबिन में डाला। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे, और उन्होंने वचन निभाया। सही बात। और वचन निभाने का ये परिणाम पड़ा कि उनके पूरे बॉडी पोस्चर में जो बदलाव आए, उनका स्टेमिना, उनका लड़ने का तरीका एक पहलवान की कॉन्फिडेंस। बिल्कुल सही कहा। जब बात बॉलीवुड की चल रही है और जब महावीर पहलवान जी के जीवन चरित्र पर एक फिल्म बनी और वो फिल्म कुश्ती प्रेमियों के साथ साथ पूरे भारत भूमि में देखी गई और खूब पसंद भी की गई, आपका कभी ऐसा नहीं लगता? चूँकि आज हम पारिवारिक रूप से बैठे हुए आपके जन्मदिन के मौके पर चर्चा कर रहे हैं, तो शिवराम पहलवान साहब के जीवन पर भी एक ऐसी फिल्म बने जिस पहलवान ने अपने परिवार के 7 से 8 बच्चों को इतना स्तर वाला पहलवान बनाया, आप जैसे शख्सियत जो देश दुनिया में पहचाने जा रहे, बाकी आपके 4-5 भाई जो है उन्होंने भी खूब नाम कमाया और आज वेल सेटल कहलाते, केवल लाल मिट्टी से निकल के, कहीं ना कहीं विश्वामित्र अवार्डी शिवराम पहलवान पर भी इस तरह से कोई एक छोटे बजट की क्यों ना हो लेकिन एक फिल्म बने, कभी कोई विचार इस तरह से आया? मैं जहाँ तक फिल्मी दुनिया में जाने के बाद मैं इतना समझने लग गया हूँ जी कि ये जो फिल्में बनती है पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है। बिल्कुल सही। तो नितेश तिवारी जी ने इसके लिए बहुत मेहनत करी है, मेरे को मैंने उनसे चर्चा भी की बाद भी और रोलों से भी पता चला कि इस आदमी ने इतनी तपस्या की, इतनी मेहनत करी है, बलाली गांव गया, हरियाणा के देहातों में गया, लोगों से टक्कर मारी, वहां से इन्फॉर्मेशन निकालना करना, ये पूरी खोज होती है। बिल्कुल। और जब जाके एक स्क्रिप्ट तैयार करते हैं और उसको किस तरह से बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करना और उसकी सोच को पर्दे पर दिखाना, बिल्कुल सही कहा, लाना, तो ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये एक्टर का काम नहीं है जी, ये स्क्रिप्ट लिखने वालों का काम है। तो हो सकता है आपके माध्यम से ये बात किसी के डायरेक्टर को, अगर आपकी ये वीडियो देखे और उसके संज्ञान में ये बात आ जाए तो निश्चित रूप से ये वीडियो भी अमर हो जाएगा अगर शिवराम पहलवान जी के ऊपर कोई फिल्म बनती है। क्योंकि आज तो हमारी और लाल माटी की बात की जाए, जुनूनी आदमी है, ऐसा जुनूनी आदमी जो कुश्ती दंगल से पहले जहाँ दंगल होना है, लाल माटी की कुश्ती होना है, वहाँ शिवराम पहलवान साहब 2 घंटे पहले पहुँच के उस दंगल के आयोजक से मिलते हुए मैंने देखा हुआ है कि उनका जितना कितना सिद्धत्व वह था उनका, कितने तरीके से साल के हो गए हैं, अभी आज भी मुझे जब भी दंगल की कहीं बात होती होगी तो सबसे पहले पहुँचने वालों में शिवराम पहलवान साहब का नाम बता होगा। हम आपसे राष्ट्रीय कोच होने के नाते पूछना चाहेंगे, देश में वो कौन से पहलवान हैं जिनसे देश उम्मीद कर सकता है? देखो अभी टोक्यो ओलंपिक होना था इसी वर्ष जी, लेकिन कोरोना संक्रमण महामारी के कारण जी स्थगित कर दिया 1 साल के लिए, और वो जापान में ही होगा, टोक्यो में ही होगा। तो बहुत बड़ी क्षति हुई है स्पोर्ट्स के अंदर जी, क्योंकि नेशनल चैम्पियनशिप के आधार पर पहलवान चयनित होते हैं नेशनल टीम के लिए, और नेशनल चैम्पियनशिप का अगर आयोजन नहीं होगा जी तो जो चैम्पियन रेसलर है उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी जॉब में है, किसी ना किसी महकमे के साथ जुड़े हुए हैं, वेल सेटल है। लेकिन जो उभरते हुए पहलवान जो इसमें कैरियर बना रहे हैं बिल्कुल, उनको बहुत भारी नुकसान होगा क्योंकि इन्हीं सर्टिफिकेट्स के आधार पर वो सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर पाते हैं। बिल्कुल सही। जब यही नहीं होगा तो आवेदन कैसे कर पाएंगे, तो उनका साल खत्म खराब होता है। बिल्कुल सही। तो भारतीय कुश्ती संघ को मैं बहुत जल्द ये सुझाव भी देने वाला हूँ कि कोरोना संक्रमण बचाव के साथ किस तरह हम नेशनल चैंपियनशिप आयोजित कर सकते हैं बगैर दर्शकों के जी, कम से कम पहलवानों के साथ, कम से कम पार्टिसिपेशनों के साथ, ताकि पहलवान जो युवा पहलवान जो करियर बनाना चाहते हैं बिल्कुल उनका नुकसान ना हो। बिल्कुल सही। जहां तक ओलंपिक की बात कर रहे हैं आप कि कितनी उम्मीद है पहलवानों से, तो बजरंग पुनिया बहुत बड़ा नाम है भारत में आज की तारीख में कुश्ती में, विनेश फोगाट है, ये 2 पहलवान ऐसे हैं कि ये ओलंपिक से मेडल पाड़ के ला सकते। बिल्कुल सही कहा। और बहुत बड़ी उम्मीद है। तो इस बार कुश्ती में पूजा ढंडा है नई जी, अंशु है उसी के वेट कैटेगरी में है, उनमें से जो जीतेगा वो जाएगा। यहाँ तक सुना है गीता फोगाट दोबारा एक अभी बच्चे की माँ बनी है, उसके बाद दोबारा वो प्रयास कर रही है। तो सुशील कुमार है जी, तो एक्सपीरियंस, क्योंकि
सुशील कुमार को बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सुशील कुमार नहीं कर पाएगा, एच फैक्टर एच फैक्टर। देखिए जितना ज़्यादा अनुभव बढ़ता है कुश्ती के अंदर उतनी ज़्यादा परिपक्वता आती है। बिल्कुल सही कहा। जिमनास्टिक के अंदर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी प्रभावित होगी, आपकी परफॉर्मेंस डाउन जाएगी। बिल्कुल। जिमनास्टिक रेसलिंग के बिल्कुल अकॉर्डिंग उल्टा है। बिल्कुल सही कहा। कम एज 12-13 साल में तो ओलंपिक चैंपियन बन जाते हैं। बिल्कुल। 18 साल में ओलंपिक में मेडल जीत रहे हैं, लेकिन रेसलिंग में 18 साल के बाद शुरुआत होती है। बिल्कुल सही। और आप 35-40 साल तक भी ओलंपिक में मेडल जीत सकते हैं, आप में जोश और जज्बा जुनून पागलपन कुश्ती होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में आपको कौन से ऐसे रेसलर्स दिखाई दे रहे हैं जो देश में नाम कमा सकते हैं, दुनिया में परचम लहरा सकते हैं कुश्ती का, माइलिया की नगरी का? देखिए मध्य प्रदेश में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, लेकिन यहाँ की जो पॉलिसीज है मध्य प्रदेश शासन की जी, हो सकता है बहुत सारे लोग बुरा मान जाए। बिल्कुल सही कहा, सच बुरा ही होता है। लेकिन 15 साल से भारतीय जनता पार्टी है, उससे पहले कांग्रेस थी, इन्होंने खेलों का और कुश्ती का स्पोर्ट्स का पूरा सत्यानाश किया है। इनको कोई मतलब नहीं है स्पोर्ट्स से। मेरा दिल दुखता है आज इनके जो विक्रम पुरस्कार हैं जी, उनको तय करने के लिए चाय की चुस्की के साथ में किसी शादी ब्याह पार्टी या कमरे में वहाँ तय हो जाते हैं, परफॉर्मेंस मायने नहीं रखती। आज हमारी एक लड़की जो पहली भारत मध्य प्रदेश की महिला पहलवान है जिसने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता जी, और उस मेडल के सर्टिफिकेट की वैल्यू नहीं है बोलते हैं और भगा देते हैं। बहुत दुखद बात है। क्यों? क्राइटेरिया ऐसे बना रखे हैं, उन्होंने क्राइटेरिया से झोलमोल बना रखे हैं कि सिर्फ हम जो एकेडमी चला रहे हैं एकेडमी के बच्चों को ही फायदा हो, और एकेडमी में घूम फिर के जो कई स्पोर्ट्स तो ऐसे हैं जो नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स है। बिल्कुल। नेपाल जाते हैं 11 गोल्ड जीत के आते हैं उनको विक्रम पुरस्कार दे देते हैं, जो ओलंपिक और अधिकृत स्पर्धा हैं उनके सर्टिफिकेट काउंट नहीं करते हैं। तो एक बहुत बड़ा झोल है जो खेल मंत्री के संज्ञान में नहीं आता। मुझे तो लगता खेल मंत्री को मतलब भी नहीं है इन चीज़ों से, तो खेल मंत्री उसी को बनना चाहिए। अब जैसे जीतू पटवारी जी बने थे जी, तो मैं समझता हूँ उससे बहुत बड़ा बदलाव आता जी, क्योंकि वो आदमी जुनूनी है, पागल है, यंग है। बिल्कुल सही कहा। खेलों के प्रति समर्पित है, खेलों का नॉलेज रखने वाला है, लेकिन वो सरकार बदल जाती है और सरकार बदल के वही पुराने मंत्री आ जाते हैं जिनको कुश्ती का मतलब ही नहीं पता होता। तो बहुत दिक्कत वाली बात है मध्य प्रदेश में। मैं समझता हूँ आने वाले कई वर्षों तक खेलों का उत्थान नहीं होगा। नेशनल गेम्स में हम किराए के टट्टू, किराए के खिलाड़ियों को लेके मेडल टेली में ऊपर आके अपनी पीठ थपथपाते रहेंगे, यहाँ के मूल निवासियों का कोई फायदा नहीं होगा। कम से कम आप जैसे शख्सियतों का भी यदि वो मार्गदर्शन ले ले तो मुझे लगता है बहुत अच्छी स्थिति हो सकती है, क्योंकि माहिले की नगरी इंदौर में कुश्ती कला का जितना नाम एक ज़माने में हुआ करता था उतना नाम मुझे लगता है कि भारत भूमि में किसी और क्षेत्र का नहीं होगा। जिस तरह की कुश्ती कला के पहलवान इंदौर से चले थे जिन्होंने देश दुनिया में अपना नाम कमाया था, उसमें अगर बात की जाए तो आपका नाम हाल के दिनों में काफ़ी स्वर्णिम अक्षरों में लिया जा सकता है, कहा जा सकता है। हम चूँकि जन्मदिन पर बात कर रहे हैं, आपको क्या पसंद है क्या नापसंद है? देखिए मैं अगर खाने की बात करें मिठाइयों में तो मैं गुलाब जामुन का बहुत शौकीन हूँ। अगर मैं जैसे आपके घर आया तो गुलाब जामुन, और अगर मैंने प्लेट में गुलाब जामुन देख लिए तो मैं जब तक अपनी चेयर से नहीं उठूंगा जब तक आप मेरे को खिला नहीं दोगे। ख़त्म ना हो जाए खत्म ना हो जाए, इतना भी नहीं खाता क्योंकि मैं अपनी बॉडी का ध्यान रखता हूँ, लेकिन गुलाब जामुन का बहुत शौकीन हूँ। चाहे मुझे एक पीस खाना पड़े मैं खाऊंगा जरूर गुलाब जामुन, तो गुलाब जामुन का बहुत शौकीन हूँ। और सुबह से बहुत सारी बधाइयाँ मिल रही है। चलिए बहुत काफी। हम जब भी बर्थडे सेलिब्रिटी स्पेशल करते हैं तो गेस्ट से हम लगातार अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, सामाजिक क्षेत्र के कार्य पूछते हैं, राजनीतिक रुचि पूछते हैं, खेलों की बात सबसे अंत में करते हैं, लेकिन हम आपसे बर्थडे सेलिब्रिटी स्पेशल कर रहे हैं इसलिए पूरा की पूरा हमारा जो टॉक शो है वो खेल पर आधारित है। क्या कभी आपने ये भी सोचा कि राजनीतिक रूप से भी आपको सक्रिय होना चाहिए जिससे आपके जो नवोदित खिलाड़ी है उनको आपकी सक्रियता का फ़ायदा मिल सके, जो बात आप बाहर रह कर करते हैं वो भीतर जाकर करेंगे तो शायद हमारे कर्णधारों को हमारे नेताओं को वो बात समझ में आ जाए? देखिए मैं समझता हूँ कुश्ती का, मैं शुरू से ही कुश्ती में हूँ। बिल्कुल। मैं भारतीय रेलवे में भी कर्मचारी हूँ तो कुश्ती का ही काम देखता हूँ, एज अ कोच काम करना ही मुझे पसंद है जी। अभी जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कि अगर मैं मेरे को अगर कहीं टिकट मिल जाता, मैं कहीं सांसद बन जाऊँ या कहीं मंत्री बन जाऊँ तो मुझे नहीं लगता कि वे लोग कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी आपस में राजनीति और पाँव खींचा खाँची और टूटा फूटी बहुत है।
तो जो कुश्ती की तकनीकी निपुणता जो खिलाड़ियों में लाना है, युवा पहलवान को समझाना है, एक कोरे कागज पे लिखा जाता है उस तरीके का काम होता है एक पहलवान को शुरू से बताना, क्योंकि कुश्ती अपार भंडार है। बिल्कुल। तो एक कोच यानी बहुत बड़ा नुकसान ये हो जाएगा कि अगर मैं उधर चला जाता हूँ तो पहलवान को सीखने का अवसर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा। तो ऐसा नहीं है कि मैं अकेला ही कोच हूँ जी, लेकिन समर्पण तो देखा जाता है, कहीं दिल से कोई व्यक्ति दिमाग से काम करता है, और जहाँ दिल और दिमाग दोनों से काम होता है तो उसके परिणाम भी काफ़ी सार्थक और काफ़ी बढ़ाने वाले होते हैं, प्रतिभाएँ उभरती है आप जैसे लोगों के कृतित्व के कारण, आप जैसे लोगों के अनुभवों के चलते। दूसरी बात करना चाहेंगे, आध्यात्मिक रूप से आप किस तरह सक्रिय रहते हैं? देखिए, मैं आस्था में विश्वास रखता हूँ, क्योंकि कुछ अद्भुत शक्तियाँ हैं जी, और जैसे गुरु जम्बेश्वर भगवान ने एक शब्द कहे हैं, क्योंकि मैं बिश्नोई पंथ को मानने वाला व्यक्ति हूँ, जहाँ पे हरा वृक्ष नहीं काटना, जीव हत्या नहीं करना, बहुत सारे 29 नियमों को फॉलो करते हैं जी, तो वेजिटेरियन होते हैं पीवर, जैसे आपने सुना होगा वहाँ पे हिरण, राजस्थान के अंदर हिरणों को जो जानवर होते हैं उनको, उनके अगर माँ मर जाती है तो औरतें अपना दूध पिलाती है, आपने ऐसे फोटो भी देखे होंगे। बिल्कुल सुना। तो उस समाज से हूँ तो मुझे बड़ा गौरवान्वित महसूस होता है। तो उस समाज के होने के नाते गुरु जम्बेश्वर भगवान ने एक छोटी सी बात कही है, उत्तम कुल का न उत्तम होएबा कारण क्रिया सारू, कि उत्तम कुल में जन्म लेने से आदमी उत्तम नहीं होता, बिल्कुल उसके कर्म क्रियाकलापों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उत्तम है या नहीं है। बिल्कुल। तो वो बहुत जरूरी है कि आप अगर जीना चाहते हो तो आप दूसरे को भी जीने दे। बिल्कुल। हर एक व्यक्ति में अगर जीव है जो ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है जी, तो आप उनका सम्मान करें जी, उनको जीने का अवसर दें, आप उनका प्राण ना यानी जीव हत्या ना करें। तो इसके लिए मैं लिखता भी हूँ, बोलता भी हूँ, कई लोग बुरा भी मानते हैं, कई लोग बोलते हैं कि भाई गाय का दूध क्यों पीते हो, फिर वो भी तो नॉनवेज होता है जी, तो तरह तरह की बातें हाँ, सही बातें कुछ लोगों का तो होता ही सब तरह की बातें होती है, लेकिन आपने जीव हत्या नहीं करनी चाहिए जी, और इसमें मैं विश्वास रखता हूँ। एक अद्भुत शक्ति है जहाँ पे शक्ति, भक्ति और ब्रह्मचर्य तीनों का जब वो हो जाता है तो हाँ, तो फिर उसके बाद में आपकी भक्ति ही काम आती है। अब चूंकि COVID-19 का काल है और उसी के दिनों में खासतौर से उसी के असर के चलते अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में, आप बर्थडे आज आपने बड़े सादगी के साथ में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ में सेलिब्रेट किया है, हालांकि आपको सोशल मीडिया पर जिस तरह से लाइक्स मिल रहे हैं, आपको कमेंट्स मिल रहे हैं, यूँ कहे कि आपको लगातार फ़ोन आ रहे हैं। जब हम आपसे बातचीत कर रहे थे शुरुआत के समय में तो एक एक व्यक्ति का फ़ोन आ रहा, आपको देश दुनिया से फ़ोन आ रहे, अपने शहर से भी फ़ोन आ रहे, आप एक एक व्यक्ति को बड़े सरलता के साथ में काफ़ी उसका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं। ये सरलता, ये सौम्यता, ये सादगी, ये दिया हुआ सीख है। देखो, माता पिता का दिया हुआ है, चाचा जी का दिया हुआ है, उन्होंने जैसे यानी कि उनको हमने देखा है जी, कि भाई ज़्यादा खुश होने वाले समय में ज़्यादा खुश नहीं होना, ज़्यादा दुखी होने वाले समय में ज़्यादा दुखी नहीं होना, क्योंकि हर दुख के बाद सुख आता है और सुख के बाद दुख आता है, और यही परंपरा आगे तक चलती रहती है। जहाँ तक छोटे छोटे बच्चे आए थे आज और तरह तरह की पोएम सुना रहे हैं, मेरे को डेडिकेट कर रहे हैं कि मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ, तो एक प्रेम है, और यहाँ पता चलता है कि लोग मुझे कितना चाह रहे हैं। आस पड़ोस से भी आ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट आ रहे हैं, पहलवान आ रहे हैं, कोई गुलदस्ता लेके आ रहा, कोई फूल लेके आ रहा, तो एक प्यार है। बिल्कुल सही। तो वो अपना प्यार जाहिर कर रहे हैं। अभी मैंने फोन बंद किया हुआ है, इंटरव्यू चल रहा है, तो इस बीच में कई लोगों ने मेरे से संपर्क किया, तो संपर्क कर रहे होंगे। बिल्कुल सही कहा। तो निश्चित रूप से उनको भी बुरा लग रहा होगा कि पहलवान साहब का फोन बंद है और आगे तो विश करना ही करना है। यही है, तो प्यार है सबसे। आपसे काफी प्रेम करते लोग खास तौर से देखा है, तो कुश्ती जगत के लोगों के अलावा मीडिया के लोग भी आपकी स्पष्टवादिता के चलते, आपके आसानी से उपलब्धता के चलते काफी आपसे प्रभावित होते हैं। किस तरह का संदेश देना चाहेंगे आपके जन्मदिन के मौके पर अपने चाहने वालों को? देखिये, मैं युवा खिलाड़ियों को यही कहना चाहता हूँ कि जो भी काम करें एक लक्ष्य निर्धारित करें, आप डाइवर्ट ना हो, क्योंकि आप पढ़ाई में भी डाइवर्ट होते हैं कि मैं ये विषय लूँ या ये विषय लूँ या दोनों विषय लूँ, एक ले लेते फिर दूसरा ले लेते तीसरा ले लेते, तो फिर आप दो नाव में सवार होने पे आप सफल नहीं होंगे जी। किसी एक ही चीज़ के पीछे पड़े, एक लक्ष्य निर्धारित करें, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप में धैर्य होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए, शक्ति, भक्ति और ब्रह्मचर्य का पालन करें। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।
चलिए कृपा शंकर पटेल साहब ने हमसे खूब चर्चा की, खूब दिल से चर्चा की और इतनी अच्छी चर्चा की कि मुझे तो इतना इनसे प्रेम और अपनत्व का भाव मिला है। आपको आपके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा था, 43वां बर्थडे जो है भाग्योदय करता है। अभी तक जो भी आपको मिला है, आपके कृतित्व के चलते, आपके तप के चलते, आपने जो कुश्ती के प्रति जो समर्पण भाव रखा है और आज भी अहंकार से कोसों दूर है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे चर्चा करने में। लेकिन समय का कुछ ऐसा भाव रहता है कि उसे समय में समेटना ही पड़ता है, कुछ क्षणों में समेटना पड़ता है। आपको आपके 43वें बर्थडे पर बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे, देश में नए नए पहलवान तैयार करते रहे और कुश्ती और लाल माटी से निकलने वाले कुश्ती बाद में मेट पर जाके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कमाते, उन सबको तैयार करके हमारे देश की कुश्ती को इसी रोशन करते रहे। बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, आप दीर्घायु बने रहे। आपकी शुभकामनाएं मेरे जीवन में बहुत उपयोगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।